हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, मेरी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, बैक में भी, एब्डोमिनल एरिया में भी, तो जिसकी वजह से मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठी थी, जिम नहीं गई थी। तो मेरी 7 बजे, मेरे को सुबह पहले 5 बजे खुद ही नींद खुल गई, क्योंकि अब वो 2 वीक हो गए हैं जब से मैं रात को जल्दी सो रही हूँ। लाइक 10:30-11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, 11:30 भी हो जाते हैं कभी कभी, बट इसी टाइम तक। और मुझे सुबह 5 बजे खुद ही नींद मेरी खुल जाती है अलार्म बजने से पहले ही। तो आज भी मेरी नींद खुल गई, तो मैं उठी पहले कि मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं, अगर मैं जल्दी उठ गई हूँ, जब मुझे नहीं जाना लेकिन पढ़ लेते हैं। मैं जैसे ही उठी ना, मैं 10 मिनट उठी, पर मेरे को इतनी ज़्यादा पेन थी ना, मतलब पेन कैसी है ना, मसल्स वाली पेन हो गई है कि खड़े होने से अगर स्ट्रेन पड़ रहा है, अगर मैं सिर्फ लेटी हूँ बेड पे तो फिर मेरे को इतनी पेन नहीं हो रही है, खड़े होने से ज़्यादा हो रहा है। इवन मैं कुछ दिन से तो चल रही थी ना, तो मेरे को 5 मिनट चलने में इतनी ज़्यादा एग्जॉशन हो रही थी, जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा जोर लगा रही हूँ, और मैं बिल्कुल टेढ़ा होकर चल रही थी। तो मैं उठी तो मैं इसे उठा नहीं गया, मेरे को बहुत ज़्यादा से फ्रस्ट्रेशन होने लगी, तो मैं वापस जाकर लेट गई और फिर वापस हो गई। फिर मैं उठी 7 बजे, फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके पढ़ने के लिए बैठी, तो मेरे से चेयर पे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था, तो फिर मैं बाहर जाकर गई सोफे पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ विजन मैगज़ीन मंथली इकोनॉमी की। अभी जैसे मैं इकोनॉमी लेके चल रही हूँ स्टैटिक में, उसके मैंने स्टैटिक रिवाइज़ कर लिया, उसके मैंने PT 365 रिवाइज़ कर ली। अब मैं यहाँ पर मंथली मैगज़ीन से सिर्फ इकोनॉमी कवर करूँगी पहले, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें मेरे को तो प्रायोरिटाइज़ करनी है, लाइक इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ। अगर हम पूरी लेकर चलेंगे तो अभी जैसे मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो फिर उसमें मतलब टाइम कम है, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले मैं उनको करूँगी। अभी मेरी जब मंथली मैगजीन्स हो जाएंगी, फिर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं इकोनॉमी के, UPSC के भी और स्टेट PSC के भी, उसके बाद फिर मेरा इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से मैंने सोचा है। तो मेरे रूम में ना पहले सिर्फ एक मेन टेबल था स्टडी वाला, जो कि जिस पर मैं पढ़ती हूँ अभी भी, तो उस टेबल में ना बस एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि उसमें साइड पर ड्रॉअर्स है ना, जिसकी वजह से ना चेयर टेबल के नीचे नहीं जा पाती, तो टेबल में और चेयर में थोड़ा सा गैप रहता है और मेरे को थोड़ा झुक के पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हुआ करती थी और मैं ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग नहीं दे पाती थी। लेकिन मतलब ऐसा क्या है कि आप सोचोगे अभी क्यों दिक्कत हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई कभी, तो ऐसा था कि पहले मेरा रूम नीचे था और वहाँ पे एक बुक शेल्फ था, तो मैं उस पर पढ़ती थी, लेकिन ज़्यादातर ना मैं बेड पे पढ़ती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा आदत थी बेड पे पढ़ने की, मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ा मैंने बेड पे, टेबल पे तो मैं बहुत ही कम पढ़ती थी। वहाँ पे डबल बेड था ना, तो वो मेरे को फ़ायदा रहता था, एक आधे बेड पे मेरी सिर्फ बुक्स होती थी और आधे बेड पे मैं पढ़ती थी। उसके बाद फिर ऊपर न्यू रूम बना, तो मैंने इसको सबसे पहले ना सिर्फ स्टडी रूम सोचकर बनाया था। तो फिर ये टेबल जो अभी था ना मेन मेरा वाइट वाला, ये बहुत पुराना टेबल है, इसको मैंने ले आई ऊपर, तो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, बट फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, चल रहा है काम, मतलब इस पर मैंने पढ़ना तभी स्टार्ट किया था जब मेरा ऊपर शिफ्ट हुआ था रूम। उसके बाद फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, फिर मैं वहीं जाकर पढ़ती थी, तो एक साल तो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा है, तो वहाँ पर सही थे टेबल भी चेयर भी, तो वहाँ पर मुझे ऐसे कुछ इशू हुआ नहीं। उसके बाद अब मैं जब घर आ गई, तो अब मैं ऐसे इस पर ना लॉन्ग सिटिंग नहीं हो पाती थी, तो फिर मैंने एक और टेबल घर पर पढ़ा था, उसको मैंने अरेंज किया, जैसे आपको पता है मैंने प्रीलिम्स के टाइम पर उस टेबल को लाया था, तो वो टेबल में एक ही प्रॉब्लम थी कि वो हिलता था, उस मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर मुझे कुछ रिवाइज़ करना होता था तो वो मैं उस पर कर लेती थी, लेकिन अगर कुछ लिखना होता था तो वो बहुत ज़्यादा शेक करता था। फिर फाइनली अब मैंने एक टेबल ऑर्डर किया अमेज़ॉन से, तो मेरे को था कि काश अच्छा आ जाए, मैंने बहुत से देखे, कुछ में रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, कुछ में यही था कि ये शेक करता है, तो ये मैंने ऑर्डर किया। ये मुझे पड़ा अराउंड 3170 का, तो ये आ गया, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थी। मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मेरी कोई छोटी सी भी चीज़ आनी है ना, स्टेशनरी रिलेटेड या कुछ भी आना है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ कब आएगा कब आएगा। तो पिछले दिन उन्होंने दिखाया कि ये आएंगे और फिर ये आए नहीं, मेरे को रात को इतना दुख हुआ, देन नेक्स्ट डे आया। एंड मेरी यहाँ पर कमर बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मैं इतना ज़्यादा मुश्किल से लगा रही थी ना, लेकिन मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि मेरे को इसको अरेंज करना है अभी के अभी, मैंने जैसे तैसे करके किया, और उसके बाद मेरे को इतनी ज़्यादा पेन हुई ना, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया खुद ही। तो इसमें क्या था कि टेबल के साथ जितनी भी चीज़ें थी ना, वो सब अलग से आई थी, और इसकी पैकेजिंग इन्होंने इतनी ख़तरनाक की थी कि मेरे को इसको खोलने में इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी ना, लगाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना ज़्यादा इसकी पैकेजिंग खोलना था। बाकी नट्स वगैरह सब कुछ बीच में ही थे, बस आपको एक एक्स्ट्रा अगर कुछ चाहिए तो वो था स्क्रू ड्राइवर, वो मैंने लाया, उसके अलावा बस सब चीज़ें हैं, नट्स लगाने, अच्छे से टाइट करने हैं, इंस्ट्रक्शंस की एक मैनुअल छोटी सी दी है, उसको देख देख के लग सकता है इजीली, मैंने पूरा खुद से ही किया, और काफ़ी अच्छा टेबल मुझे लगा। मैंने इसमें सिर्फ अभी थोड़ी देर ही पढ़ा था,
लेकिन ये शेक बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और स्टेबल है, मतलब ऐसे होता है ना टेबल थोड़े शेक करते हैं, शेक नहीं कर रहा था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं इस टेबल को ना सिर्फ खाली रखूँगी, इस पर कोई चीज़ नहीं रखूँगी, इस पर बस ऐसे होगा कि मुझे कुछ बुक्स लेकर अगर पढ़ने जाना है तो मैं इस पर जाऊँगी, बाकी जो मेन टेबल है अगर थोड़ा टाइम उस पर भी पढ़ने के लिए। हाँ मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि आई वॉन्ट अ फ्री स्पेस, ऐसा हो रहा था कि बहुत सी चीज़ें, कभी कभी क्या होता है ना ऐसे मन में बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बेंस आगे ही चल रही होती है, और जब आपके आसपास बहुत सी चीज़ें दिखे ना तो उससे इरिटेशन होती है। तो मुझे था कि मुझे खाली जगह चाहिए जहाँ पे सिर्फ मेरी बुक्स हों सामने, और बस वहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ बस वही चीज़ हो और कोई चीज़ ना हो, इससे मुझे खाली स्पेस चाहिए थी, वो मिल नहीं पा रही थी। फिर फाइनली मैंने एक ऑर्डर कर ही लिया। तो ऐसे महंगी चीज़ें लेनी हो तो थोड़ा बहुत बार सोचना पड़ता है पहले, बट ठीक है अब मैंने ले ली, तो अभी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने इसको पूरा अच्छे से खुद से स्क्रू ड्राइवर से किया। अगर आपको भी जैसे स्टडी टेबल कोई लेना हो, ऑनलाइन आप देख रहे हो, तो मतलब ये वाला तो अच्छा है, मैंने तो इसको अप्रूव कर दिया। फिर कुछ दिन बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। एंड उसके साथ मैंने एक ये चेयर पे बैठने के लिए कुशन भी ऑर्डर किया था, ये कुछ हो गए 5-6 दिन उससे पहले आया था, ये भी अच्छा है काफ़ी, ये भी अमेज़ॉन से ही लिया था। तो बस ये टेबल यहीं पर रहेगा, इसको मुझे अगर मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ ईजिली, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो जिस भी डायरेक्शन में मुझे पढ़ना हो मैं मज़े से पढ़ सकती हूँ। एंड फिर मेरा अब मुझे रूम अपना अच्छा लग रहा था। लेकिन एंड उसके साथ मुझे यहाँ पे ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिली थी, जितनी भी चीज़ें इसमें लगी ना उसमें 3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी थी, वो रख दी मैंने। एंड उसके बाद मेन चैलेंज था मुझे कि टेबल साफ़ करना, तो मैं कुछ दिन से दूसरी टेबल पे ही पढ़ रही थी, इस पर इतना ज़्यादा खलारा हो गया था ना, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी करने की यार, ऊपर से हेल्थ भी ठीक नहीं थी ना, वो मैं बता रही हूँ आपको, तो उसकी वजह से मैं जब खड़ी हो रही हूँ ना मेरे को एग्जॉशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मेरे को ज़्यादा हो रहा था, नहीं तो मैं ये सब चीज़ें तो बहुत ईजिली कर लेती हूँ। बट मैंने फिर भी हिम्मत करके किया, क्योंकि जब तक बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा रहता है ना, ऐसे चीज़ें इधर उधर पड़ी होती ना, मेरा बिल्कुल भी सच्ची पढ़ने का मन नहीं करता। जब साफ़ सफाई होती है, चीज़ें अपनी जगह पे होती है ना, तब सच में मन भी करता है पढ़ने का। और फिर मैं इसके ऊपर ही पढ़ने के लिए बैठी और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि टेबल की हाइट भी ऊँची है, बाकी सब टेबल मेरे थोड़े नीचे हैं, और बस मैंने इस पर अपनी बुक्स रखी। और यहाँ पे मैं कर रही थी एक मॉक सॉल्व अपनी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके मैंने कुछ पूरा नहीं सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड उसके बाद वही हुआ, मुझे बहुत पेन होने लग गई, तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा था टेबल चेयर पे, तो फिर मैं बेड पे जाकर पढ़ने लग गई थी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है, इसमें ज़्यादा स्टडी रिलेटेड नहीं था, लेकिन थोड़ी सी मैंने जो चीज़ें की वो हैं, और मेरे को टेबल का आपको बताना था। तो ये टेबल मेरे को तो अच्छा लगा काफ़ी, अब कुछ दिन बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी, स्ट्रॉन्ग भी है सब कुछ है। और फिर बस रात को मैंने ये पिया था, ये काफ़ी गर्म होता है, लाइक इसमें हल्दी थी और ड्राई फ्रूट्स थे, मतलब पेन में थोड़ा रिलीफ मिले। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, बाय बाय।